हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव रघुवंशी और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अम्मा। सो लेट्स स्टार्ट। कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से मोबाइल के प्राइसेस तो जैसे आसमान छू रहे हैं। जीएसटी के नाम पे कंपनियां प्राइसेस बढ़ाती जा रही हैं। किसी मोबाइल पर 700 रुपीस बढ़े, किसी मोबाइल पर 1500 बढ़े, किसी मोबाइल पर 2000 बढ़े और यहाँ तक कि किसी किसी मोबाइल पर तो 2500 रुपीस तक बढ़ाया गया है, वो भी किस नाम पर, सिर्फ जीएसटी के नाम पे। ऐसे में अमेजॉन बोलता है कि हम देंगे आपको सस्ते मोबाइल और अमेजॉन की 5 अगस्त को सेल आने वाली है जिसका नाम है अमेजॉन प्राइम डे सेल। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करूँगा। तो कुछ मोबाइल फ़ोन्स निकल के आए जिनकी प्राइस हो सकता है कम मिले, तो मेरे सामने लिस्ट रखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कौन कौन से मोबाइल की कीमत आपको 5 अगस्त को अमेजोन पे कम मिलने वाली है। ये सेल 5 अगस्त टू 7 अगस्त तक रहेगी। अगर आपको कोई फ़ोन लेना है तो आप वहाँ 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं Xiaomi के फ़ोन से। तो Xiaomi का जो Redmi Note 9 है उसकी प्राइस हो सकती है 12,000 रुपीस। इसमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और इसमें एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बात करें अगर Xiaomi के दूसरे फ़ोन की तो वह नोट 9 प्रो, इसमें भी 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल सकती है वो है 14,000 रुपीस। अगला जो फ़ोन है वो भी है Redmi नोट 9 प्रो मैक्स। तो इसकी इसमें जो है वो 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल सकती है वो है 17,000 रुपीस। और इसमें प्रोसेसर लगा है वो है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अब आते हैं आगे, तो जो Redmi 8 Dual है उसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 7,500 रुपीस। इसमें आपको एक 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। फिर आते हैं अगले फ़ोन पर, तो वो है Xiaomi का Mi 10। तो इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल सकती है वो है 50,000 रुपीस। इसमें 108 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और इसमें जो प्रोसेसर है वो है 865। अब आते हैं अगले फ़ोन की तरफ, तो है Redmi K20 Pro। इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल सकती है वो है 23,000 सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, ये फ़ोन है Poco का। अगर आपको पता नहीं है तो जो Poco है वो Xiaomi का ही सब ब्रांड है। तो Poco M2 Pro लॉन्च हुआ था और Poco M2 Pro की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 14,000 रुपीस। अब आते हैं Samsung के फ़ोन्स की तरफ, तो जो Samsung का S10 है वो आपको देखने को मिल सकता है 45,000 रुपीस में। इसके बाद जो अगला फ़ोन है वो है Samsung S10 Plus और जो Samsung S10 Plus है उसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 53,000 रुपीस। और अगला जो Samsung का फ़ोन है वो है Samsung S20 Plus, इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 78,000 रुपीस। और बाय द वे इस मोबाइल में आप अप टू 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर अगला जो फ़ोन है ये एक मिड रेंज फ़ोन है जो कि है Samsung M31। Samsung M31 में की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 16,500 रुपीस। इसमें भी एक 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है एंड Exynos 961 में प्रोसेसर है। बात करें अगले फ़ोन की, तो वह Samsung का M21 और इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 14,000 रुपीस। M21 में भी एक 6000mAh की एक बैटरी है एंड 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। बात करें Samsung के अगले फ़ोन की, तो वह Samsung M11 और इसकी जो प्राइस देखने को मिल सकती है वो है 11,000 रुपीस। इसमें एक 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है। बात करें अगर Samsung के नेक्स्ट फ़ोन की, वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 30 जुलाई को आई थिंक ये लॉन्च हुआ था और इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल सकती है वो है 19,500। ये Samsung का M31S, ये भी M31 जैसा सिमिलर आते हैं OnePlus की फ़ोन्स की तरह। तो OnePlus का जो 7T है उसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 36,000 रुपीस। एंड अगला जो फ़ोन है वो है OnePlus 8, इसका 5G वेरियंट और इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल सकती है वो है 42,000 रुपीस। अगला जो फ़ोन है वो अभी अभी लॉन्च हुआ है जो कि है OnePlus Nord और इसकी जो प्राइस देखने को मिल सकती है वो है 25,000। और कुछ Oppo के फ़ोन्स भी हैं जैसे कि Oppo A31, इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 9,000 रुपीस। फिर है Oppo का A52 जिसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 15,000 रुपीस। फिर है Oppo का A5 जिसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 11,000 रुपीस।
फिर है ओप्पो का A12, इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 10,000 रुपीज़। फिर ओप्पो का A11K और इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 9,000 रुपीज़। इसके बाद ओप्पो का Reno2F, इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 22,000 रुपीज़। फिर है ओप्पो का F15 और इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 17,000 रुपीज़। ये इन्होंने बोल तो दिया वैसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, पर देखते हैं ये सही में डिस्काउंट दे पाते हैं या नहीं दे पाते। ये मोबाइल जब आप 5 अगस्त पर जाओगे तो ये आपको स्टॉक में मिल भी पाते हैं या नहीं मिल। अब वो तो 5 अगस्त को amazon.com पर ही पता चलेगा कि ये फ़ोन्स स्टॉक में मिल भी पाते हैं या नहीं मिल पाते। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।